आठवां दिन प्रजा में सर्वत्र शांति सुख शांति थी। बेटों के विवाह के पश्चात दशरथ भी अपना समय धार्मिक अध्ययन में मनन में व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों पश्चात अष्टानिका महापर्व आने पर राजा दशरथ ने 8 दिन का उपवास किया। उपवास की समाप्ति पर उन्होंने जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट अभिषेक किया और समस्त परिवार के साथ जिनेन्द्र पूजा की। पूजा के पश्चात रानियां चली गई। कुछ देर पश्चात समस्त विधि पूर्ण होने पर राजा ने शांति कारक गंधोदक सभी रानियों के पास पहुंचाया। 3 रानियों के पास तरुण स्त्री गंधोदक लेकर गई, अतः उनके पास गंधोदक शीघ्र ही पहुंच गया। परंतु सुप्रभा के लिए गंधोदक वृद्ध खोजा के द्वारा भेजा गया था, अतः वह समय पर नहीं पहुंचा। अपने पास गंधोदक नहीं आया देखकर सुप्रभा अपने को अन्य रानियों से हीन व अपमानित महसूस करती हुई आत्मघात करने का निर्णय कर बैठी और उसने विशाख नामक भंडारी से विष मंगाया। मंदिर से लौटने पर राजा दशरथ ने अंतापुर में 3 रानियां देखी, पर सुप्रभा दिखाई नहीं दी। कारण जानने पर राजा सुप्रभा महल में गए, तब विशाख नामक भंडारी विष लेके आया। विष देखकर राजा ने कहा कि मरण का दुख ही सबसे बड़ा दुख है। अभी तुम्हें कौन सा ऐसा दुख उत्पन्न हो गया जिसके उपाय स्वरूप तुमने मरण को स्वीकारा है? रानी ने कहा, अपमान का दुख। आपने गंधोदक सभी रानियों को भेजा पर मुझे नहीं भेजा। राजा कुछ कहते ही तभी वृद्ध खोजा गंधोदक लेके आई। रानी ने गंधोदक मस्तक से लगाया। राजा ने क्रोधित होकर वृद्धा खोजा से देर आने का कारण पूछा। खोजा ने कहा, मैंने लाने में कुछ लापरवाही नहीं की, पर यह तो वृद्धावस्था का दोष है। पहले मैं प्रत्येक कार्य पल भर में करता था, पर अब मैं लकड़ी के सहारे के बिना चल नहीं सकती। मेरे शरीर की हीन शक्ति के कारण मुझे ही देर हो गई, अतः मेरा शरीर बुढ़ापे के अधीन जानकर आप मुझ पर क्रोध नहीं कीजिए। यह सुनकर राजा दशरथ का मन वैराग्य से ओतप्रोत हो गया और सोचने लगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं भी अपने पूज्य पिताजी एवं बड़े भाई के समान मुनिव्रत अंगीकार करूंगा। मैंने चिरकाल से सुखपूर्वक पृथ्वी का पालन किया, यथा योग्य भोग भोगे, शूरवीर पुत्र उत्पन्न किए, फिर अब मेरे द्वारा किन उस बात की प्रतीक्षा की जा रही है? यह हमारे वंश की परंपरा है कि पुत्रों के समर्थ होने पर हमारे धीर वीर वंशज पुत्रों के लिए राजलक्ष्मी छोप कर तपोवन में जाकर आत्मसाधनारत हो जाते हैं, पर मैं अभी तक उनके पद चिन्हों पर चलने में असमर्थता क्यों महसूस कर रहा हूँ? इस प्रकार विचार करते हुए राजा दशरथ की यद्यपि भोगों से आसक्ति कुछ कम अवश्य हुई, पर रागवश वह गृह त्याग में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार बहुत समय निकल गया। कुछ काल पश्चात अयोध्या के पास महेंद्रोदय नामक उद्यान में सर्वभूत हित मुनिराज का सशक पदार्पण हुआ। वर्षा काल समीप होते से वहां पर उन्होंने चौमासा व्यतीत किया। राजा दशरथ अपने परिवार के साथ प्रतिदिन मुनिराज के दर्शन कर उनके उपदेशों का श्रवण करते थे। इस प्रकार वर्षा ऋतु बीतु व शरद ऋतु आई। राजा दशरथ का तत्वोपदेश श्रवण का कार्य पूर्ववत चालू था, तभी एक दिन अर्धरात्रि में राजा जनक का पुत्र जयवंत हो यह तेज घोष से अयोध्यावासी जाग गए। सीता के कानों में जब यह स्वर पड़ा तो भाई की याद कर वह रोने लगी, क्योंकि उनका भाई पैदा होते चुरा लिया गया था। राम के द्वारा समझाने पर वह चुप हो गई और दूसरे दिन प्रातःकाल ही महेंद्र उद्यान गई। राजा दशरथ भी जब प्रातःकाल मुनिराज के दर्शन को निकले तो राजा के नगर के चारों ओर फैले हुए विद्याधरों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब वे महेंद्रोदय उद्यान पहुंचे तो वहां उन्होंने विद्याधर राजा चंद्रगति का दीक्षा महोत्सव देखा। राजा दशरथ जब उनके वैराग्य का कारण जानना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जब राजा जनक की रानी विदेहा का गर्भ रहा तब पूर्व जन्म की बैरी एक देव को इच्छा हुई कि मैं इस बालक को मार दूं। गर्भ में ही बालक को मारने से मां को कष्ट होगा, यह सोचकर जब वह उसके जन्म का इंतजार करने लगे, अतः समय होने पर जब रानी ने जुड़वा लड़का लड़की हुए तो बदला लेने का इच्छुक वह देव लड़कों को चुरा ले गया। जो ही वह देव उसे मारने लगा तो ही उसका विवेक जागृत हो गया। पाप करते से डरे हुए उस देव ने उस बालक के कानों में दैत्यमान कुंडल पहनाए और उसे पृथ्वी पर छोड़ दिया। कुंडलों से प्रकाशित उस बालक को चंद्रगति नामक विद्याधर राजा ने उठाया और अपनी पत्नी को जाकर दे दिया। रानी के कोई पुत्र नहीं था, अतः लोक में उन्होंने यही कहा कि रानी के ही पुत्र हुआ और उस बालक का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। कुंडलों की किरणों से शोभित होने के कारण उसका नाम प्रभामंडल रखा, जो कि बाद में भामंडल नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा अवस्था होने पर भामंडल नारद द्वारा दिखाए गए सीता के चित्र पर मोहित हो गए। सीता की मंगनी भामंडल से करने पर राजा चंद्रगति ने मायावी अश्व द्वारा राजा का हरण करवाया, परंतु जनक के इस निर्णय पर अटल रहने से सीता राम को ही दी जाएगी। विद्याधर ने धनुष आने व स्वयंवर की शर्त रखी। उस स्वयंवर में सीता ने राम को वर लिया। उस सीता के विवाह से अनभुक्त भामंडल ने कुछ काल पश्चात सीता के विरह ऐसा हो गया तो वह स्वाभाविक लज्जा छोड़ पिता के पास गया और बोला कि सीता के बिना बहुत समय तक रहा, अब समय विरह है,
आप लोग कुछ प्रयत्न क्यों नहीं करते। तब चंद्रायन नामक विद्यार्थी धीरे धीरे बोला कि हम लोग कन्या के पिता को यहाँ लेने आए थे, उनसे आपके लिए कन्या मांगी थी, पर वे उसे राम को देने का विचार कर चुके थे। उन्हें हमने बहुत समझाया पर वे नहीं माने। तब हमने ही बहुत विचार कर धनुष की शर्त रखी, सोचा था कि राम धनुष नहीं चला सकेंगे तो कन्या तुम्हारी हो जाएगी, पर देवाधिष्ठित उस धनुष को चढ़ाकर राम ने सुंदरी प्राप्त कर ली। इस समय वह कन्या देवों से भी नहीं हरी जा सकती है, फिर उन दोनों धनुषों से रहित हमारी तो क्या बात थी, और उसे स्वयंवर के पहले भी जबरदस्ती नहीं हरा जा सकता था, क्योंकि दशानन का जवाई राजा मधुरजनक का मित्र है, दशानन त्रिखंडी है, सभी विद्याधर भूमि गोचरी उसके अधीन है, उसकी सहायता प्राप्त जनक की कन्या को हम कैसे हर सकते हैं। सीता के स्वयंवर के वृत्तांत को सुनकर भामंडल विचारता है कि मेरा विद्याधन का जन्म निरर्थक है, क्योंकि मैं तो साधारण मनुष्य की तरह अपनी प्रिया को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा विचार कर तीव्र मोह उसने निर्णय किया, मैं स्वयं ही भूमि गोचरी को जीतकर उस उत्तम कन्या को लेता हूँ। और फिर वह तैयार होकर विमान में बैठकर आकाश मार्ग से मिथिला जाने लगा। मिथिला जाते हुए रास्ते में उसे पूर्व वैभव का नगर देखकर भामंडल को जाति स्मरण हुआ और उसे ज्ञात हुआ कि जिस कन्या के प्रेम में वह पागल है वह और कोई नहीं अपितु उसी की सगी बहन है। यह जानकर वह तुरंत रुद्रपुर लौट गया और राजा चंद्रगति को समस्त घटनाक्रम सुनाया। राजा चंद्रगति को यह घटना मालूम हुई तो संसार के संबंधों की विचित्रता व क्षणभंगुर का ख्याल कर उन्होंने वैराग्य हो गया और वहां मुनिराज के समीप जिन भिक्षा ले ली। भामंडल को राजा जनक का पुत्र जानकर राजा दशरथ ने शीघ्र ही आकाशगामी विद्याधर के हाथ राजा जनक को पत्र भेजा और स्वयं अत्यधिक स्नेहपूर्वक उससे मिले। सीता भी भाई को पाकर फूली नहीं समाई। राजा जनक ने पत्र देने वाले को बहुमूल्य वस्त्राभूषण दिए और विदेहा के साथ तुरंत अयोध्या आकर अपने बिछड़े हुए बेटे से मिले। इसके पश्चात वे सभी एक माह तक अयोध्या में रहे। फिर भामंडल ने सब लोगों को सलाहकर मिथिला का राज्य कनक को सौंप दिया और स्वयं माता पिता के साथ रुद्रपुर चले गए। कुछ दिन पश्चात राजा दशरथ मुनिराज के दर्शन करने गए। उनके मुख से अपने पूर्व भाव समाचार सुनकर उन्हें जाति स्मरण हुआ और उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार बनाया तथा मंत्री को बुलाकर अपने प्रथम पुत्र को महामंडलेश्वर पद के अभिषेक करने की तैयारी करने को कहा। मंत्री के द्वारा कारण पूछे जाने पर वह बोले कि अब मैं भव समुद्र को पार कर शिवपुरी को जाना चाहता हूँ, अतः निर्विघ्न होकर तप करने की यह मेरी इच्छा है। यह बात लगी आग की भांति पूरे जंगल राज्य में फैल गई। पत्नी व प्रजाजन सभी दुखी थे, पर वैरागी भरत पिता के साथ दीक्षा की तैयारी करने लगे। वे मन में सोच रहे थे जब पिताजी दीक्षा ही ले रहे हैं तो फिर उन्हें राज्य की चिंता क्यों, उचित ही है, सब बंधनों में स्नेह का बंधन मुश्किल से छूटता है, तब मुझे क्या, मुझे तो किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि रोगों का घर यह नशो शरीर ही जब मेरा नहीं है तो फिर उससे संबंधित भाई मेरे कैसे हो सकते हैं। कहके भरत का यह भाव ताड़ गई और वह पति और पुत्र दोनों को वन में जाने से रोकने का उपाय करने लगी। तभी उसे अपने वर की याद आई और वह राजा दशरथ के पास गई। पहले तो रानी ने राजा को मुनिवत लेने से रोकने की कोशिश करी, पर राजा अपने निश्चय पर अटल रहे और कैकई से बोले, मैं तो निश्चित मुनिवत लूंगा, पर तेरी और कोई जो इच्छा हो सो मांग ले। रानी नीचा मुख करके बोली कि भरत तुम्हारे साथ दीक्षा लेने का इच्छुक है और पति रहित तथा पुत्र रहित मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः यदि आप राज भरत को दे दें तो। कैकई आगे कुछ कहती कि दशरथ बोले, इसमें लज्जा की क्या बात है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। इस प्रकार आश्वासन देकर दशरथ ने कैकई को विदा किया और सोचने लगे कि भरत से बढ़कर राम को चाहने वाली कैकई आज यह क्या मांग बैठी, क्या वह यह नहीं समझती कि भरत का राज्याभिषेक राम लक्ष्मण के वनगमन से ही संभव है। बड़े भाइयों के राज्य में रहते हुए छोटे भाई को राज्याभिषेक कैसे संभव है, राम को उसने भरत से भी अधिक प्यार दिया है, भरत तो उसने मात्र जन्म ही दिया पर राम तो स्वयं पाला है, ऐसे प्रिय पुत्र राम को क्या वह अपने से दूर जाते दिख सकेगी, अथवा वैरागी भरत को वनगमन से रोकने की चिंता में व्याकुल वह जैसे अपनी सोच सकती है, मैं राम को गृह त्याग की आज्ञा भी नहीं दे सकता और वचन भंग भी नहीं कर सकता, अस्तु जो भी हो अब राम स्वयं ही समस्या का समाधान करेंगे। यह सोचकर उन्होंने राम लक्ष्मण को बुलाया, उनसे कहा कि समस्त कलाओं में निपुण रानी कैकई की वीरता से प्रसन्न होकर उस समय मैंने एक वचन दिया था जिसे उसने उस समय धरोहर रख दिया था, अब वह अपने पुत्र को राज्य मांगती है, यदि उसे राज्य नहीं दिया तो भरत मौनी दीक्षा लेते हैं और कैकई भी पुत्र शोक में प्राण त्यजेगी, वचन भंग होने से मेरी भी अपकीर्ति होगी, दूसरी तरफ यह राजकार यह कार्य मर्यादा के विपरीत है कि बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र का राज दूं, और यदि भरत को राज्य सीमा का संपूर्ण पृथ्वी राज दूं तो परम तेज को धारण करने वाले तुम दोनों भाई कहाँ जाओगे।
यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम निपुण हो, बुद्धिमान हो, अतः इस दुखपूर्ण स्थिति से बचने के लिए तुम का उपाय तुम ही बताओ। यह सुनकर विनयपूर्वक राम बोले, आप अपने वचन का पालन कीजिए। आपके वचन की रक्षा के लिए मुझे वन में भी स्वर्ग का ही आनंद मिलेगा और वचन भंग रूपी अपकीर्ति के द्वारा उपलब्ध राज्य अत्यंत दुखमयी होगा। सच्चा पुत्र तो वही है जो पिता को पवित्र करे अर्थात शोक से रक्षा करे। अतः मैं आपको वचन भंग रूपी शोक से अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। पिता पुत्र में ये बातें हो ही रही थी कि दीक्षा देने के इच्छुक भरत किसी से कहे कुछ बिना महल से बाहर जाने लगे। यह देखकर भरत की रानियां विलाप करने लगी। क्रंदन सुनकर राजा दशरथ ने स्नेह से भरत को रोका, उसे गले लगाया और उससे बोले कि अभी तेरी तपोवन में जाने की उम्र नहीं है। तू तो राज्य कर, तपोवन को तो मैं जाऊंगा। अभी तुम अभी संसार के सुखों का उपभोग करो, फिर वृद्धावस्था में दीक्षा लेना। अभी तो तुम गृहस्थावस्था में ही रहकर धर्म करो। यह सुनकर भरत ने आदर सहित कहा कि पिताजी, मृत्यु बालक तरुण किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती, अतः मैं तो अभी ही निर्गंध रूप धारण करूंगा। दूसरी बात संसार के सुखों का उपभोग करने की है, तो संसार में सुख है ही नहीं, संसार नामी दुखों का है। हाँ, कभी कभी वे हमें कम दुख ही सुख से लगते हैं। जहाँ तक गृहस्थाश्रम में रहकर मुक्ति के प्रयास की बात है, सो हे तात, यदि मुक्ति सुख की प्राप्ति घर में रहकर हो सकती थी, तो आप भी स्वयं इस राज्य का त्याग क्यों कर रहे हो? जब आप त्याग कर ही रहे हो तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? हे तात, जो पुत्र को के दुख को तारे और तप की अनुमोदना करे, वही तात का तातपना है। अतः आप संसार के दुख से मुझे तारे और मेरे तप की अनुमोदना करें। भरत के तार्किक जवाब सुनकर पिता दशरथ गदगद हो गए और बोले कि हे वत्स, तू उत्तम भव्य है, तू निश्चित ही शीघ्र मुक्ति प्राप्त करेगा, पर तू विनयी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। तूने कभी मेरी बात नहीं टाली है, फिर अब मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहा है? अपनी माता को क्यों महाशोक रूपी समुद्र में गोते लगाने दे रहा है? अपत्य पुत्र का अपत्यपना यही है कि जो माता पिता को शोक रूपी समुद्र में नहीं गिरने दे। अतः तुम कुछ दिन राज्य करो, फिर जैसे तुम्हारी इच्छा हो सो करना। भरत पिताजी से कुछ कहते कि राम ने भरत का हाथ पकड़ा और मधुसर में बोले, जो पिताजी ने कहा सो उचित ही है। अभी तुम्हारी अवस्था तब के योग्य नहीं है। तुम्हारे समान भाग्यशाली पुत्र के रहते पिता का वचन भंग हो, माता प्राण त्यजे, यह ठीक नहीं है। पिता के वचन की रक्षा के लिए तो हम शरीर भी छोड़ सकते हैं, तो फिर राज्य की तो बात ही क्या है? पिता के जिस वचन की रक्षा के लिए मुझे राज्य छोड़ना है, उनके उसी वचन की रक्षा के लिए तुम्हें राज्य करना है। मैं यह नगर छोड़ के जा रहा हूं और किसी नदी के किनारे पर्वत अथवा वन में कहीं भी वेश बदल कर रहूंगा, अतः मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। अब तुम शांतिपूर्वक राज्य करो। इस प्रकार भरत को मनाकर स्वयं लक्ष्मण के साथ माता से आज्ञा लेने गए। राम के मुख से देशांतर की बात सुनकर कौशल्या बेहोश हो गई। कुछ देर पश्चात होश में आने पर वे बोली, बेटा, कुलवती स्त्रियों के तीन ही आधार हैं, पिता, पति और पुत्र। इस समय मेरे पिता हैं नहीं, पति दीक्षा ले रहे हैं, और यदि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी? राम बोले, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगा, पर अभी आपको साथ ले चलना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यंत ऊंची नीची कठोर धरती, पहाड़ व जंगलों में आप चल नहीं सकेंगी। फिर मैं दक्षिण दिशा में जाकर आपके रहने योग्य स्थान बनाकर आपको सवारी द्वारा ले जाऊंगा। इस प्रकार माँ को मनाकर अन्य माताओं से विदा लेने के पश्चात वे सीता के महल में गए। राम के समझाने पर भी दृढ़ निश्चय सीता न मानी। बस उनका एक ही जवाब था, जहां आप रहेंगे वह मैं ही रहूंगी। सीता सहित राम और लक्ष्मण का वनगमन देख माता पिता के दुखों का पार नहीं था, पर सांत्वना देने में निपुण राम लक्ष्मण ने उन्हें शांत किया और वे राजमहल से बाहर निकल गए। राम को नगर से बाहर जाते देख अयोध्यावासी हक्के बक्के रह गए और कुछ न समझ पाने के कारण की कर्तव्य विमूढ़ से उनके पीछे पीछे चल पड़े। वे राम के पीछे पीछे बढ़े जा रहे थे, चलते चलते चले जा रहे थे। ज्यों त्यों तो उनकी गति तीव्र होती जा रही थी, त्यों त्यों तो उनके सोचने की गति भी तीव्र होती जा रही थी। उन्हें ध्यान आया कि कुछ पल पूर्व बीते हुए क्षणों का था, जब वे इन्हीं राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। राम के मस्तक पर मुकुट देखने की उनकी आंखें ललाई थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता के वचन की रक्षा के लिए भाई भरत को राज्य सौंपकर उन्होंने स्वयं ही वनवास चुन लिया। सिंहासन पर बैठने की तो बात दूर रही, भाई को दुखी देखने की इच्छा से वे अयोध्या की सीमा से भी कोसों दूर चले जा रहे हैं, पर हम तो राम के साथ ही जाएंगे। इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि राम की आवाज सुनकर उनकी तंद्रा भंग हो गई। उनके चहेते राम उन्हें अयोध्या वापस जाने को कह रहे थे, पर प्रजा उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी।
अतः राम ने रात्रि का सोने का बहाना किया और सबके सो जाने पर उन्हें छोड़कर सीता राम व लक्ष्मण आगे बढ़ गए। प्रातःकाल सीता राम व लक्ष्मण को न देखकर सभी ने दौड़ लगाई और उनसे जा मिले। वे सभी सीता को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपके कारण ही हम राम लक्ष्मण का साथ पा सकें। यदि आप धीरे धीरे न चलती तो क्या हम आपके का साथ पा सकते थे? थोड़ी देर पर नदी का तेज वेग था। जल को पार करने की विद्या में निपुण राम तो सीता का हाथ पकड़ के लक्ष्मण सहित नदी पार कर गए, पर प्रजानंद जल का तीव्र वेग पार नहीं कर सके। अतः विवश हो ही उन्हें जाते देखकर तब तक देखते रहे जब तक वे नजरों से ओझल नहीं हो गए। राम के जाने के पश्चात उन लोगों में से अनेकों ने मुनिवत अंगीकार किया, अनेकों ने श्रावकवत लिए और अयोध्या लौट आए। लौटे हुए व्यक्ति से राम का समाचार सुनकर कौशल्या व सुमित्रा ने राजा दशरथ से राम को लौटाने के लिए बहुत कहा। राजा दशरथ तो विरक्त हो गए थे, अतः उन्होंने रानियों से कहा, यह विकार रूप जगत मेरे अधीन नहीं है। यदि सब काम मेरी इच्छा अनुसार हो तो मैं सोचता हूँ कि समस्त प्राणी सदा सुखी रहे, किसी को जन्म मरा आदि व्याधि न सताए। पर कर्मों की नाना प्रकार की स्थिति होती है जिसके अनुसार प्राणी उसके का फल भोगता है। अतः विवेकी मनुष्यों को शोक नहीं करना चाहिए। राज्य तो मैंने छोड़ ही दिया है और संसार से भयभीत अब मैं मुनिवर धारण करूंगा। ऐसा कहकर भरत का विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर राम के जाने से संतप्त चित्त दानियों के मन को शांत कर दशरथ ने सर्वभूत हित मुनियों के पास जाकर मुनिव्रत अंगीकार किया। मुनि दशरथ एकाकी विहार करते हुए सदा एवं अध्यात्म में मग्न रहे। इस प्रकार विषम परीक्षाओं को सहते हुए एवं दुर्धा तप करते हुए उनका समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात वे इस देह का त्याग कर 13वें स्वर्ग में चले गए।